निरंजन। So my answer is yes. खुशी चली सिर्फ उस दिन तक। मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है। सर ये लाइट को क्या हुआ? वैसे भी जिस बंदे को कॉल लगा रहा हूँ वो कौन सा मुसीबत से कम है। हेलो, कैन आई टॉक टू हेल वॉकर? हेल वॉकर? मुझे वो बाबा मिलेगा कहाँ? काली घाटी के पीछे एक पुराना मंदिर है। तुमको ये शराब जो तुम पर है वो किसी को थोपना पड़ेगा, जो तुम्हारे दिल की सबसे करीब है। बाबा ने ईशान को वो कर्ज अपने किसी करीबी इंसान पर ट्रांसफर करने के लिए कहा और ईशान ने सोच लिया था कि वह एक कर्ज अपनी वाइफ पे ट्रांसफर करेगा। आखिर उस डील के कारण ही तो उसे वो मिली थी। ईशान ने अपनी वाइफ को धोखा दिया। लो बाबा, मैं अपनी बीवी को लेके आ गया, अब शुरू करो। औज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम। क्या बच्चा हो गया, तुम्हारी समस्या का समाधान? उस लड़की का खून, वो डिमन, सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। डैम माय इमेजिनेशन। You know what doctor? मैं पे अपना time waste कर रहा हूँ। I need to go somewhere. Can I use your phone? Sure. Welcome everyone. This is the final part of the first episode Crossroad Demons from Hellwalker series. इस चैनल पर एक नए शो Hunting with Hell और इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड Hellwalker and the Blue Whale Game को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड सबसे पहले अपडेट के लिए hit the bell icon. Crossroad Demons Part 3. ईशान का अपनी वाइफ को धोखा देना, एम का ईशान की हेल्प करना, हेलवॉकर के पास एक मिस्टीरियस लड़की का फ़ोन कॉल, चीज़ें सुलझने की जगह और उलझ गई। सो लेट्स फाइंड आउट ईशान, एम और निधि की कहानी कैसे उन्हें हेल तक ले गई और उनका अंजाम क्या हुआ। और हाँ, एक और बात, अगली बार जब भी आप किसी चौराहे को क्रॉस करें तो देख लीजिएगा, एक टूटा हुआ मटका, एक जलता हुआ दिया और कुछ फूल दिख जाए तो समझ जाइएगा किसी ने डेविल से डील करने की कोशिश करी है। रात को हेलो, सो रहा है या मर गया? नहीं, मरने की एक्टिंग कर रहा हूं। कौन हो तुम, क्या काम है? फक ऑफ। हेल, तू ठीक है ना? कहाँ है, क्या कर रहा है तू? फिर किसी प्रॉब्लम है? अब क्या किया तूने? फोन पे केबीसी खेलना है या मेरी बात भी सुनेगा? लेने आ मुझे, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। और हाँ, ब्रिंग माय बेबी, माय कार, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। हेलो हेलो, इज दिस एम फ्रॉम वी हंटर? या हु इज दिस? ये तो ईशान का नंबर है ना? हाँ, मैं ईशान की वाइफ ही बोल रही हूँ, निधि। एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी मैंने इतनी रात को कॉल किया, बट इट्स वेरी अर्जेंट। कोई इशू नहीं है, मैं वैसे भी जग रहा था। ईशान ठीक है, बताइए क्या चाहिए? एक्चुअली ईशान 3 दिन से गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है,
वो बस 3 दिन पहले अपना फोन कहीं छोड़ करके चले गए। आज मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तो मैंने उनका फोन चेक किया और मुझे आपका कन्वर्सेशन मिला। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा ईशान के साथ हो रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल सा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ, मेरी मौत पास आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ईशान को मैंने बताने की बहुत कोशिश करी बट जब भी बताना चाहती थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, और जब मैंने बताया तो वो पता नहीं से कहाँ चले गए। 3 दिन से गायब है और फोन भी यहाँ छोड़ गए। आई रियली नीड योर हेल्प, प्लीज डू समथिंग। पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल पे यू वेल। मैम आप डरिए मत, आप अपना एड्रेस सेंड करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और आपकी और आपके पति की जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करूँगी, शायद आपका काम हो जाए। थैंक यू सो मच, आई विल वेट फॉर यू। ये भगवान, ये हेल्प पहली टाइम अपनी लाइफ में चल रही है। लोग तुझे पागल समझते थे, तू सीरियसली असाइलम चला गया। तू जानता है मैं असाइलम, तू जानता है मॉडर्न डैम मर्डर, यू नो आई एम नॉट अ साइकोपैथ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड सना का मर्डर क्यों करूंगा? सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स व्हाई आई जॉइंड द असाइलम। सोचा था वहां के झटके मेरी किस्मत के झटकों से तो कम ही होंगे, उन शॉक्स का पेन ना मेरे पास के पेन के आगे कुछ भी नहीं था। That's why I joined the asylum, to forget everything. कोई असर दिख नहीं रहा है फिर भी। Well, छोड़ना, मैं भी कहां पास की बातें लेके बैठ गया। तूने अभी तक ये काम नहीं छोड़ा ना, सही है? अच्छा एक बात और बता, मैं सिगरेट लेने गया तो शॉपकीपर नोट को ऐसे क्यों देख रहा था जैसे कोई फॉरेन करेंसी दे दी उसे? वो भी तुझे पागल ही समझ रहा होगा ना, तुझे डीमोनेटाइजेशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। डीमोनेटाइजेशन, ये क्या बकवास है? बाहर आ मेरे दोस्त, दुनिया काफी बदल चुकी है। दुनिया कभी नहीं बदलती है और ना ही इसके लोग बदलते हैं, वो गिरे हुए होते हैं और गिरे हुए रहते हैं। निरंजन को ही देख ले, पहले 2 कौड़ी का और अब देख कितना ज्यादा घटिया हो गया, हद से ज्यादा गिरता जा रहा है। जाकर राम दूत अतुलित बलदामा, विश्वास हो गया है या फिर पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी या फिर हर रिलीजन के मंत्र पढ़ के सुनाने पड़ेंगे? मैं इंसान ही हूँ शायद, पर मैं वो तो नहीं जो तुम्हारा विचार कर रहा था। आई एम नॉट द वन दैट हॉन्टिंग यू। हॉन्टिंग? हॉन्टिंग मी? कौन कौन कर रहा है मेरा पीछा? आसवाम, वही तुम्हारा पीछा कर रहा है और ये उसी की बदबू है। सल्फर की स्मेल नहीं आ रही तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। और ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है? ईशान ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी लेकिन तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। एक आसमान इसका पीछा कर रहा था, कल वो भाग गया इसके कारण। और जब एक आसमान का पीछा करता है तो इंसान अंदर से सड़ने लग जाता है, बहुत वीक होता जाता है, उसी का इफेक्ट है। निधि इज हेल वॉकर, मैं तुम्हें इसी से मिलाने आ रहा था, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है।
हेल, ये कैसा नाम है? एनीवेज, तुम मेरी मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकता है, बट अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। सो आई सजेस्ट यू, तुम हमारे साथ हमारे सेफ हाउस में चलो। वो सेफ हाउस चारों तरफ से सील है मंत्र और स्पेल से, वहाँ कोई बुरी चीज एंटर नहीं हो सकती। तो वहाँ तुम सेफ रहोगे एंड आई मेक श्योर कि इस मॉर्निंग में तुम्हारा जो भी है सॉल्यूशन वो स्टार्ट हो जाए। तो अब यहीं खड़े रह के सारी बातें करनी है रोड पे या चलना भी है? लेट्स गेट गोइंग। Finally, बड़े दिनों बाद। लेडी, इसलिए आप सेफ हो। तुम ऊपर वाले रूम में जाओ और रेस्ट करो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलो। हाँ, ये यहाँ का रूम सर्विस है। Let's hunt the haunted. इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ पता करनी है कि इसके पास टाइम कितना है। आसमान का इतना गरीब आना, इट्स रियली नॉट अ गुड साइन। बट ये पता कैसे करेंगे कि 10 साल कब पूरे हो रहे हैं और इसके पास कितना टाइम है? ईशान, उसने जब मुझसे फर्स्ट टाइम बात करी थी तब उसने कहा था कि उसकी लाइफ बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल फेलियर। तो मुझे एक बात जाननी है दीदी, कि क्या तुमने उसे कभी रिजेक्ट किया था? आई मीन, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि उसने इस डील में तुम्हें भी तो नहीं मांग लिया था। हाँ हाँ, मैंने उसे रिजेक्ट किया था। आई भी वो एकदम से आ गया था मुझे प्रपोज करने। उसकी कॉलेज में इमेज बहुत ख़राब थी, मैंने पता नहीं क्या सोच के बस उसे डांटा, उसे इंसल्ट करी और उसे भगा दिया। बट उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे जाके सॉरी बोला और हाँ कर दिया। एग्जैक्टली, तुम उससे कोई प्यार नहीं करती, ये सब एक डील का पार्ट है। पहले क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उसे यस कब कहा था? कोई ग्रीटिंग कार्ड है तुम्हारे पास उस टाइम का, या कोई स्टेटस अपडेट, कुछ भी जिसे डेट पता चल जाए? या मैंने उसी दिन अपना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था, अपना रिलेशनशिप स्टेटस। मुझे अच्छी तरह याद है वो मैंने उसी दिन किया था। नहीं, चेक कर फोन एंड लेट मी नो द डेट्स जिसने उसे यस का बोला। जस्ट गिव मी योर फोन। या3 January 2007। तुम्हारे पति ने डेविल से एक डील करी थी और उसको सब कुछ मिला, जो कुछ उसे चाहिए था उसको वो सब मिला। लेकिन उसके ठीक 10 साल बाद डेविल आसमान को भेजता है उसकी सोल ले जाने के लिए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन निरंजन बाबा के साथ मिलके उसने वो कर्ज तुम पे ट्रांसफर कर दिया। इनफैक्ट वो तुम्हें भी लेके गया वहां पे, am I right? हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ खबर था। नॉर्मली कर्ज ट्रांसफर करना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे एक फोन कॉल आया था सना की आवाज में। वो तो मर चुकी थी। शट अप, आई नो, बट आई एम डैम श्योर उसी की आवाज थी और वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लाइक डार्कनेस इज राइजिंग। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था सिर्फ इस मोमेंट तक, जब निरंजन बाबा ऐसे लोगों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कर्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सोचो बाकी इविल और नेगेटिव चीजों की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। आई कैन सेंस दिस राइजिंग डार्कनेस। तो अब हम निरंजन बाबा के पास जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट चुराएंगे, देन वो क्रॉसरोड रिचुअल हम खुद परफॉर्म करेंगे। कोई ना कोई डीमन तो आएगा, हम उसे मजबूर करेंगे इस कर्ज को ट्रांसफर रोकने के लिए।
इस मेन डील को कैंसिल करना तो इम्पॉसिबल है। इन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा, तो वो क्यों ना जिसने ये डील करी थी, वो क्यों नहीं मरे जो ये सब छोड़ के भाग गया। नहीं 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 ईशान नहीं, नहीं मैं ईशान को मरने नहीं दे सकती, आई लव हिम, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। शट अप, कट द क्रैप, दिस प्यार एंड बुलशिट सब बकवास है। ए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुझे समझा के जल्दी आ जा। नहीं प्लीज ए प्लीज, क्या चाहते हो मैं अपने हस्बैंड की डेथ का कारण बन जाऊं? ऐसी लाइफ का क्या फायदा, ईशान के बिना मैं नहीं जी सकती। Come on and do something. निधि, वो भी तो तुम्हें छोड़ गया था ना, अपनी प्रॉब्लम तुम पे ट्रांसफर कर गया था। इट्स नॉट योर फीलिंग, ये सिर्फ एक उस डील की वजह से है, ये सब फेक है, एक छलावा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, हेल्थ सब ठीक कर देगा, तुम्हें वो कुछ नहीं होने देगा। से आगे तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक भी कदम अगर अंदर रखा तो उस बाबा को पता पड़ जाएगा कि मैं आया हूं। चल ठीक है, मैं जाता हूं। यार मुझे समझ में नहीं आया इसमें से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, पता नहीं अजीब सी भाषा में लिखा था किसे। इसको लैटिन कहते हैं मेरे दोस्त, तू देख ले। यही तो है, फालतू बाकी सारे उठा लाया। कोई बात नहीं, चल। चला उससे तेज तो बच्चे भी चला लेते हैं, अपने पास टाइम बहुत कम है, जल्दी। हमें उस रिचुअल को अभी परफॉर्म करना पड़ेगा, तो एक काम कर, जल्दी से जा और जाके ब्लैक डस्ट लेके आ। क्या कर रहे हैं तू? रुक, मैं लेके आता हूँ। जा जल्दी। Azak, Abdemor, Lucifer, Jerinos, Ascarius, Azak, Abdemor, Lucifer, Jerinos, Ascarius, Azak, Abdemor, Lucifer, Jerinos. Welcome to hell. King, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तू अपना काम जल्दी शुरू कर। इट्स योर टर्न किड। खेल तो अब शुरू होगा। नहीं सुन, ये ले होली वाटर। इससे क्या होगा? हम लोगों के लिए ये नॉर्मल पानी है,
लेकिन इस जैसों के लिए खोलता हो तेजा। चलो अपना काम शुरू कर। अरे इसे उठा तो सही, ऐसे टॉर्चर का सेंस ही क्या है। उठ उठ। ये सब क्या? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? टीम के हाथ पे होली वाटर नहीं दिख रहा? तेरे पूरे ब्लड सिस्टम में वाटर को प्लांट कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये सिर्फ नॉर्मल सा वाटर है, तेरे खून में जाते ही तेजाब बन जाएगा। तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, सिर्फ एक, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर। रिवर्स इट। मजा आ रहा है तेरे को? चुपचाप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। तुम्हारे पास दस मिनट है, मुझे कितना ही टॉर्चर कर लो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैंसिल करने वाला। तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अपने पास टाइम कम है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कुछ कर, कुछ कर, जल्दी कर। चुप कर, डीमन को चुप कराओ। Listen to me, demon. कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर अभी, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में कैद कर दूंगा। I will trap you forever. तुम्हारा कभी धरती पर नहीं आ पाएगा। My name is Hal Walker and I'm an exorcist. I'm addressing the entity inside you. I command you to leave. Be not and be gone. Okay, रुक. मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। एम, 12 बजने में अभी भी 2 मिनट बाकी है, जल्दी इसे खिला दे और कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स। Finally, हमने उसे बचा लिया। We saved her. तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया। अब मुझे आगाह करो, जाने दो यहाँ से। हाँ तो हमें वैसे भी वहाँ से तुझे रखना है। इम, खोल दे इसे। Let him go. मैं जा रहा हूँ जिम्मेदारी से। मुझे आगे नहीं पा रहा, ये सब क्या है यार? मुझे वाकई लगा था मैं तुझे यहां से जाने दूंगा, डीमन को धरती से वापस जाने दूंगा। धोखा देना तो खुद शैतान ने सिखाया ना, द डेविल। हेलफायर। तूने सचमुच उसे मार दिया? कैसा इंसान है तू? निधि का थैंक्स बोलना, ईशान का मरना और उस डीमन के मरने के बाद एम के प्रवचन। वेल, केस क्लोज। आई विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड, हेल वॉकर एंड द ब्लू वेल गेम। टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ। माय नेम इज हेल वॉकर एंड आई एम एन एग्जिस्टेंस।